के साथ साथ हम अपने वाइस चांसलर साहब का भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दीनी और इल्मी तरफ रखते हुए हमें इस प्रोग्राम की बाकायदा तरतीब देने की इजाज़त दी और हर तरह से इल्मी और इंतजामी और माली मामलत फराहम की। तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे पहले मुकर्रर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फारूक बलोच साहब, जो कि डायरेक्टर बलोचिस्तान स्टडी सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान है। आपका तदरीसी तजुर्बा 30 साल का है। आपने 34 आर्टिकल्स लिखे हैं, 2 किताबचे और 11 किताबें लिखी हैं, जबकि आपकी 5 किताबें जेर तबाह हैं। जो अवार्ड आपको मैं मौसूल हुए हैं उसके सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, फर्स्ट इंटरनेशनल बम्बोर कॉन्फ्रेंस अवार्ड का जो 2013 में आपको मिला, उसके बाद ग्रुप एनालिस्ट अवार्ड वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची 2019, बलोचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड 2020, अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन खाना फरंग ईरानी क्वेटा 2021, ग्रुप एनालिस्ट अवार्ड तराब लिटरेरी फेस्टिवल 2022, शील्ड अवार्ड मस्तूम गर्ल्स कॉलेज 2021, पीस फेस्टिवल अवार्ड हार्ट बलोचिस्तान 2021। आज जिस मौजू पे प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फारूक बलोच साहब इजहार ख्याल करेंगे वो है मकतबाए दुर्रानी की तारीखी अहमियत। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फारूक बलोच साहब से कि वो अपना मुकाबला पेश करें। मेरे लिए वाकई आज बहुत बड़े एजाज की बात है कि मीर जाकर यूनिवर्सिटी ने मुझे एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे ना चीज को दावत दी गई, तो मैंने उसको अपने लिए एक एजाज समझा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेहमान खास प्रोफेसर डॉक्टर शाह वाइस चांसलर मीर जाकर यूनिवर्सिटी का, रजिस्ट्रार मीर जाकर यूनिवर्सिटी जनाब शेख अहमद कमरानी साहब का, अपने दिगर मेहमान ने गिरामी का, आप सब हजरात का कि मुझे इस प्रोग्राम में आप लोगों ने इनवाइट किया और कुछ टूटे फूटे अल्फाज बोलने की इजाज़त दे दी। जिस तहरीक के बारे में या जिस मकतबे के बारे में आज हम बात करेंगे उसका इतना बड़ा किरदार है बलूचिस्तान की तारीख में, एक बिल्कुल मुनफरद किस्म की तहरीक रही है। बलूचिस्तान की तारीख में इस तरह की तहरीकत का कोई तस्करा नहीं मिलता। मैंने जितनी किताबें लिखी है वहाँ पे इंफरादी स्ट्रगल की दास्तानें हैं, इज्तिमाही दास्तानें हैं मुख्तलिफ किस्म, लेकिन वहाँ पे इस तरह की किसी तहरीक का जिसने गैर मुसल्ला हालत में सिर्फ अपने लिटरेचर की बुनियाद पर अपने वक्त के सबसे बड़े सुपर पावर से टक्कर ली, सिर्फ टक्कर नहीं ली बल्कि उसे और उसके इरादों को शिकस्त से बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। मीर फारूक खान दुर्रानी साहब की इन खिदमात को हम इस तरह नहीं देखते, वो इतनी ज्यादा है कि मुझे इस बात में खुशी होती है कि कहीं हमारे स्कॉलर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में इस मौजू पे PhD कर चुके हैं। हनूज इस पे इतने मौजूद बाकी हैं कि जिन पे मजीद PhDs किए जा सकते हैं। कई किताबें लिखी गई हैं मंसूरया साहब ने, यूसुफ रोदेनी साहब ने, कयूस हसन साहब ने, कयूम बैदार साहब ने, रजाक साबिर साहब ने और कई दोस्तों ने इस मौजू पे काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मकतबा दुर्रानी के इतने पहलू बाकी हैं कि जिन पे मामूली नहीं PhD लेवल की थीसिस लिखे जा सकते हैं। अगर इस तहरीक का मुकाबला हम दुनिया भर की तहरीकात से करें तो हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख में हमें स्पेन में, हिंदुस्तान में, कई दिगर ममालिक में इसकी तरह की तहरीकें मिलती हैं। स्पेन में आप देखें इस्लामी तहरीक चली जब 400 साल मुसलमानों की हुकूमत गुजर गई वहां पे, तो तवायफुल मलूक की पैदा हो गई वहां पे, तो वहां के उलमा एक हो गए, उन्होंने एक तहरीक चलाई और स्पेन को गैर मुल्की कब्जे से बचाने के लिए उन्होंने एक गैर मुल्की मुसलमान को यूसुफ बिन ताशफीन को स्पेन में आने की दावत दी। फाजल खान साहब की अगर हम खिदमत को देखें उसने अपने बल बोते पर बगैर किसी
अंदरूनी या बैरूनी ताकत के सहारे के अंग्रेजों से टक्कर ली। ये इसका वो पहलू है कि जो इसका वजन बढ़ाती है। हिंदुस्तान की तहरीकात को देखे, वो बड़े बड़े हुक्मरानों के फंड्स पे चलते रहे। मीर फारूक खान जरदारी अपने बलबूते पर चलते रहे। उसके साथ जितने भी उलमा थे, चाहे हुजूर पर जतवी साहब थे, चाहे उमर दीनपुरी थे, चाहे दिगर थे, वो सब वॉलंटियर भी रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। और हम जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी का जमाना दुनिया में बरतानिया का दौर था। उस बरतानिया का जिसके बारे में कहते हैं कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता था। उस अजीम शान सल्तनत और उस इंतहाई ताकतवर कौम के साथ आप सब ने को पता है कि मकतबा दुर्रानी एक मड हाउस हुआ करता था, एक कच्चे मकान में इसकी बुनियाद रखी थी। उस कच्चे मकान में वो गरीब, वो भूखे हमारे उलमा के, जिनको वो मुश्किल दो वक्त का खाना मिलता था, नहीं मिलता था, उन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़ी ताकत से टक्कर ली। सिर्फ अगर टक्कर लेने की बात होती तो अलग, उन्होंने उनके इरादों को खाक में मिला दिया। हम सब जानते हैं कि बरतानिया का कि जब मशीनरी यहां पे आई 1883 के मुआहदे कोयटा के बाद, जब कोयटा का मुआहदा हुआ जब लीज पे दिया गया अंग्रेज को, तो उन्होंने बाकायदा एक मशीन बनाया कि बलूचिस्तान के जो बलोच कबाइल, बिलखसूस बिरामी बोलने वाले जो कबाइल है, वो इतने सालों हैं कि उनकी मजहबी एतकादात को बहसारी तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा टारगेट किया अनाजीर के मुख्तलिफ चैप्टर्स को बिरावी में ट्रांसलेट करके, बिरावी कबाइल में तकसीम करके उन्हें ईसाई बनाने की मजमून कोशिश की गई। ये वो वक्त था जब मीर फाजुल खान दुर्रानी ने इस तहरीक की बुनियाद, मैं इसको एक मकतबा या मदरसा नहीं कहता हूं, ये बहुत बड़ी तहरीक थी, हमें इसको जानना चाहिए। यहां से उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया और आखिर दम तक जब तक अंग्रेज यहां पे रहा ये सर वकफ रहे। ये वही जमाना है जब कुरान पाक को बलोची और बिरावी जबानों में तराजम किए गए। इस तर्जमे की जिम्मेदारी भी मीर फारूक खान दुर्रानी के मदरसे है। उसी के उलमा ने, उमर दीनपुरी साहब और मौलाना जतोई साहब ने कुरान मजीद को तराजम किए। ये वही लोग थे कि जिन्होंने अपने अल्फाज से अंग्रेजों का मुकाबला किया, एक गोली नहीं चलाई अंग्रेजों पे। तो इस तहरीक की जो अहमियत बनती है तारीखी लिहाज से, बलूचिस्तान की तारीख में ऐसी हमें कोई और तहरीक नजर नहीं आती, लिहाजा इसकी जो तारीखी अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी इसमें इतने पहलू बाकी है कि जिन पे बाकायदा तौर पर अगर हम चाहें तो पीएचडी के बड़े और बेहतरीन मकाले लिखे जा सकते, कहीं पहलू अभी तक तश्ना है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हमारी यूनिवर्सिटी में तो इस पे काम हो रहा है, मुझे यकीन है कि इस यूनिवर्सिटी में मकतबे दुर्रानी, तहरीक दुर्रानी में सबसे ज्यादा काम इन फ्यूचर होगा। हम होपफुल है इंशाल्लाह। शेरावत साहब से भी मैंने दरख्वास्त की थी, हमारे पास आए थे, हमारे मेहरबान है, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई है, तो मैंने उनसे ये कहा कि सिपी यूनिवर्सिटी में, मिर्शाकर यूनिवर्सिटी में दो तीन डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत है और बिलखसूस दो चीजों को आप जरूर फोकस करें, इसलिए कि हम मेहरगढ़ भी यहीं पे हमारे पास है, मकतबे दुर्रानी भी हमारे पास है। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की और एक सपोजियम का बंदोबस्त किया। कुछ अल्फाज मैं आप आपके सामने पेश करना चाहूंगा दुर्रानी तहरीक के मकासद और इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से। सरजमीन बलूचिस्तान वो खित्ता है कि जिसे इब्तदाई इंसानों की आमाजगा होने का एहसास हासिल है। ये वो मकाम है जहां मेहरगढ़ समेत कई मकामात से इब्तदाई इंसानों के लातादार मसाकिन और इब्तदाई आबादियां दरियाफ्त हुई है। मेहरगढ़ 10 से 11 हजार साल कबल इंसानों की रिहायशगाह थी। बलूचिस्तान का खित्ता अपने इब्तदाई इंसानी मसाकिन यानी आसार कदीमा और इब्तदाई तारीख की वजह से बैनुल अक्वामी शोहरत का आमिल है। बलूचिस्तान की तारीख में अहम और तारीखी वाकयात इतनी कसरत के साथ मिलते हैं कि जिन्हें किसी एक जखीम किताब में भी यकजा नहीं किया जा सकता।
बल्कि ऐसे वाकयात को यकजा करने के लिए कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब की जरूरत होगी। इन तारीखी वाकयात में एक अहम वाकया वो था जो बरतानवी अहद में पेश आया और फिर बलूचिस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये 19वीं सदी ईस्वी का जमाना था और बदकिस्मती से बलूचिस्तान और यहां के बाशिंदों की हालत इंतहाई बिगड़ गई थी। अंग्रेजों की आमद और बलूचिस्तान में मुदाखिलत के दौरान बलूचिस्तान में तालीम की हालत इंतहाई नागुफ्तगर थी। ऐसा कोई भी इल्मी और मजहबी तालीमात पर मबनी मुनज्जम इदारा न था कि जहां लोगों की रहनुमाई की जाती और इन्हें इल्म के नूर से बेरवर और मुस्तफीद किया जाता। कौम मुकम्मल तौर पर जहालत और नाउमीदी से दो चार थी। ऐसा कोई रहबर और रहनुमा न था कि इन नामसाइल हालात में कौम की रहनुमाई करता, इन्हें जहालत और गुमराही के दलदल से निकलता और इल्म उदर से आशना करता। अंग्रेजी तूफान के कुंद तेज झोंकों को इन बोसीदा और शिकस्ता दक्यानुसी माहौल में रहने वाले इंसानों के आशियानों को निस्त नाबूद करने से रोकने वाली कोई रुकावट बजायर नजर नहीं आ रही कि जिसे तिंकाई उम्मीद भी कहा जा सकता। सब कुछ अत्ता के 1400 साल कदीम दीनी और मजहबी अकायद भी लुटने वाले थे और एक नए दादी माशरे के जन्म लेने के खदशात और खतरात बेतहाशा बढ़ गए थे कि ऐसे में अल्लाह पाक की जात लायजान ने इन कदीम और फरसुदा और शिकस्ता और बोसीदा ख्यालात से मामूल कौम पर अपना रहम फरमाया और डाडर के करीब वाके गांव दुरखान को यह एहसास बख्शा कि वो इन नामसाइद और शिकस्ता हालात में कौम की रहबरी और रहनुमाई फरमाए और इन्हें जहालत और गुमराही के गुप्त अंधेरों से निकाल कर इल्म के रोशन और ताबा और रागुजर पर डाल दे और इन्हें कुफर के बढ़ते हुए खतरात से बचाए। इस इदारे के कयाम के बारे में मुख्तलिफ मुसन्निफीन मौकिकीन और अदीबों ने मालूमात फराहम की है। इन अदीबों में जनाब अब्दुर्रहमान खुद साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी साहब, जनाब कयूम बैदार, जनाब अब्दुल बारी रेडी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अली रोदेली, वाइस चांसलर ग्वादर यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रजाक साबिर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इनाम उलक कौसर, जनाब अब्दुल कादिर असीम और कई दीगर बड़े नाम शामिल हैं। ये अदीब और दानिश्वर इस मकतबे के कयाम से जवाल तक की कहानी बयान करते हैं जबकि इस मकतबे के शिकस्ता आसार पर फसूकारी भी करते हैं। अब तो मदरसे के शिकस्ता आसार भी मिट चुके हैं, बस इस मकाम की निशानदेही की जा सकती है जहां वो कभी कायम था। डॉक्टर बिरावी इस मकतबे की खिदमात और लाजादा कुतुब की इशाअत को बिरावी लिटरेचर का एक अजीम जखीरा करार देते हैं। ये याद रहे कि 1000 से ज्यादा किताबें मकतबे दुरखानी ने शायद किया जिनमें बलूची, बिरावी, फारसी, सिंधी और कई दिगर जुबानों का लिटरेचर शामिल है। मोस्टली बिरावी और बलूची पे काम किया गया है। इतनी ज्यादा किताबें अब भी बलूचिस्तान के किसी बड़े इदारे ने भी पब्लिश नहीं की है जितना कि दुरखानी मकतबे दुरखानी ने या तहरीके दुरखानी ने अपने इंतहाई महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए ये कीमती किताबें शायद। इस इदारे के कयाम के मकासद क्या थे, वो किन मनाजिर को मद्देनजर रखकर अपना सफर जारी रखना चाहते थे और इसके बानी मुबानी जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक खान दुरखानी साहब के असल इरादे क्या थे कि जिनकी वजह से उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी और बाद अज़ा उसे मजीद वसअत देकर एक मकतबा और तहरीक की शिकल दी और इसका दायरा कार बलूचिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान और ईरान तक ले गया। इनमें से चंद एक में इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं। पहला जो मकसद था उनका वो था तब्दीली मजहब की बरतानवी मुहिम के खिलाफ मोर्चाबंदी और दिफाई इकदाम करना। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि अंग्रेज मिशनरी यहां पे आज भी क्वेटा में मिशन रोड, मिशन हॉस्पिटल और ये अंग्रेजों की पुरानी जो इमारतें हैं ये उस दौर की निशानियां हैं। ये मिशनरी थी, इनका मकसद क्या था कि जहां उनके हमलावर सिपाही पहुंचे वहां पे साथ साथ उनके मौलवी हजरात भी पहुंच गए, उनके मजहबी रहनुमा भी पहुंच गए, फौजी बंदूकों के साथ लोगों को मारते और मजहबी उलमा लोगों के अकायद को तब्दील करते। अफ्रीका में इसकी हमें बहुत अच्छी मिसालें मिलती हैं। यहां पे भी उनके वही इरादे थे
कि यहां के लोगों के अब अकायद को तब्दील करके उन्हें अपने मजहब में शामिल करना है ताकि इन फ्यूचर बरतानिया के लिए यहां पर एक अच्छा मोर्चा साबित हो सके। तो मीर फजल खान दुरखानी साहब जैसे एक जहानदीदा इंसान ने, काबिल इंसान ने इन खतरात को महसूस किया, लिहाजा उनका पहला मकसद यही था कि बरतानवी इरादों के सामने, बरतानवी अजाइम के सामने एक मोर्चा बनाना और उसी मोर्चे में बैठकर अपने लोगों के मजहबी अकायद का दिफा करना, ये इसके बड़े मकासद में से एक मकसद था। लिहाजा बरतानवी साम्राज्य ने अपने ऐब में जहां जहां भी कब्जा किया, अपने कदम जमाए, इसकी मजहबी मुहिम दी, इसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। ये मजहबी ग्रोह पादरियों, डॉक्टरों और दिगर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल था कि जिनकी एक हाथ में बंदूक जबकि दूसरे में इंजील मुकद्दस था। जब बलूचिस्तान में अंग्रेजों ने अपने कदम मजबूती के साथ जमा लिए और मुआहिदे मस्तूम 1876 के तय पाने के कुछ ही अरसे बाद यानी 1883 में रॉबर्ट सलेवन की सरबराई में एक और मुआहिदा तय करके कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के बाद मजीद इलाकों पर भी बरतानिया को तसर्रुफ हासिल हुआ, तो ईसाई मिशनरी ने भी अपनी मुहिम का रुख बलूचिस्तान की जानिब मोड़ दिया और बिलखसूस बिरावी कबाइल को अपना अदब बनाया। अपने मजहबी मकासद के उसूल की खातिर अंग्रेजों ने अपने गर्मजोश पादरी और ईसाई मजहबी रहनुमा रेवरेंड टी जे एल मेयर का इंतखाब किया कि जिसे बिरावी जबान पर काफी उजूर हासिल था। बरतानवी हुकूमत इंडो बरतानिया ने पादरी साहब की टी जे एल मेयर की खुल कर मदद की और ईसाई मजहब से मुतल्लिक इदारे और गिरजाघरों की तामीर समेत ईसाइयत की तबलीग को फरोग देने की खातिर इसे तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की और इस सिलसिले में इसकी भरपूर माली मामनत और मदद की गई। बिरावी जबान को रुबूर हासिल होने की वजह से उसने जुबान के मुतल्लिक बहुत सा अदबी मवाद तहरीर करके शाया करवाया और साथ ही इंजील मुकद्दस का भी बिरावी जबान में तर्जुमा किया गया। मुसन्निफीन के बयानात के मुताबिक अंग्रेजों ने बिरावी कबाइल की सादालुही से फायदा उठाने की कोशिश की, इन्हें तब्दीली मजहब की कोशिशों में मसरूफ करके ईसाइयत की तबलीग जोर शोर से शुरू की। हत्ता कि इसने अपनी हर किताब के आगाज में टी जे एल मेयर ने अपनी हर किताब के आगाज में अपने इस अमल को ईसाइयत की सबसे बड़ी खिदमत लिखा। अब्दुल बारी लेडी साहब ने इस पर काफी रोशनी डाली है, अगर उनकी किताब का मुताला किया जाए तो टी जे एल मेयर के ये सारे इरादे और उनकी ये अल्फाज आपको बारी साहब की किताब में नजर आ जाएंगे। उनका ख्याल था कि शायद इस तरह बलूचिस्तान को बआसानी अपने कंट्रोल में लिया जा सकेगा। इन हालात में मौलाना मोहम्मद फजल खान दुरखानी ने बलूचिस्तान के बाशिंदों के मजहबी अकायद की हिफाजत का बीड़ा उठाया और अंग्रेजों के मजमूम मकासद के आगे एक मजबूत बंद बांध दिया। इनके इस इकदाम और ईसाई मिशनरी के जारियाना मजहबी इकदाम के खिलाफ मकतबे दुरखानी की दिफाई मोर्चाबंदी और इंकलाबी इकदाम के बारे में अब्दुल कादिर कादिर असीर समेत इस मौजू पर लिखने वाले तमाम अदीब और मौकिकी काफी कुछ तहरीर करते हैं। इसी तरह का एक दूसरा जो सेकेंडरी का एक मकसद था वो था कि ईसाई मिशनरी के खिलाफ राय आमा अपने लोगों को की राय को हमवार करना, अपने लोगों में इन इरादों को जो ईसाई ने कराए थे उनको आम करना, उनको बताना। तो मिशनरी के जो मुबल्लिगीन को मुल्तानवी हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी जबकि मकतबे दुरखानी बिला शुबा सिर्फ और सिर्फ मौलाना मोहम्मद फजल खान दुरखानी की जाती काबिशों और मेहनत पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। मौलाना मोहम्मद फजल खान दुरखानी ने अवामुन्नास, उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन के साथ साथ माशरे के मौजिज और दीन दोस्त हलकों को भी इस मुहिम में अपने साथ शामिल करने की गर्ज से कोशिशें शुरू की और मुख्तलिफ उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन बलूचिस्तान की इलम दोस्त, दीन दोस्त और बुजुर्गाने दीन की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली। अता के बलूचिस्तान के मुमताज रूहानी पेशवा पीर अबुल खैर जैसी अस्थियों ने भी उलमाए किराम की बड़ी महफिल में मौलाना मोहम्मद फजल खान दुरखानी साहब की ईसाई तूफान के आगे बंद बांधने की काविशों को सराहा और अपने मुरीदों को तलकीन की कि वो इस मुहिम में दुरखानी साहब की तकलीफ करें और
और तबलीग वाज के साथ साथ इस्लामी तबलीग की किताबें भी लिख कर तकसीम कर दें, ताकि कबायली हवाम को अंग्रेजों की छालों से उनकी चीरा दस्तियों से महफूज व मामून रखा जा सके। लिहाजा बलूचिस्तान के उलमाए किराम ने इनकी नेक काविशों को मद्देनजर रखते हुए इनके साथ भरपूर तआवुन किया और ये सिलसिला एक तहरीक की शिकल इख्तियार करता गया। इस तहरीक में जिन उलमा और बारसू हजरात ने सरगर्मी दिखाई, इनमें से सिर्फ चंद के अस्माए गिरामी में बयान कर रहा हूँ, वगर ये फहरिस्त काफी तवील है, सैकड़ों लोग हैं इनमें। मैं चंद नोटेबल लोगों के नाम गिनना चाहता हूँ। इनमें मौलाना अजूरबश जदवी साहब, मौलाना नबूजान कलंदरानी साहब, मौलाना मोहम्मद उमर भीमपुरी, मुल्ला मजार शाबानी, मुल्ला जीरक, काजी लाल मोहम्मद, वदे काजी समंदर, नूरजई, मुल्ला अमानुल्ला, मुल्ला अयाज मुफ्ती, अब्दुल्ला मिर्जा मोहम्मद असलम, असद खान, बावर खान कबरानी, मुल्ला साहिब खान कबरानी, मुल्ला सफदर खान शाबानी, मुल्ला अब्दुल अजीज काकड़, मुल्ला खान मोहम्मद, हाजी अब्दुल मजीद छोतोई, हाजी अब्दुल्ला खान दुरखानी और मौलवी अब्दुल हई साहब जैसे काबिल जिक्र हस्तियां मौजूद थी। इस तरह मौलाना मोहम्मद फातुल खान दुरखानी को बरतानवी मशीनरी के खिलाफ राय आमा अमवार करने में जबरदस्त कामयाबी मिली, उनका हल्का असर बढ़ता गया। ये कदम एक जबरदस्त और मुनज़्ज़म तहरीक की शिकल इख्तियार करता गया। फाजुल खान दुरखानी साहब का एक और मकसद भी था, यानी इस तहरीक का एक और मकसद भी था, यानी मजहबी तहरीक के लिए मकामी लोगों को, बलूचिस्तान के बाशिंदों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना। यहां पर मैंने कहा कि इससे पहले ऐसी कोई तहरीक हमें नजर नहीं आती बलूचिस्तान की तारीख में, ना माजी में, माजी बईद में, ना माजी करीब में, ना वस्ती ऐप में, ना जदीद ऐप में इस तरह की कोई तहरीक नहीं थी, वाहिद तहरीक। लिहाजा इस तरह लोगों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करने की खातिर इस तहरीक को जोर शोर के साथ आगे ले जाया गया। मकतबे दुरखानी का डाडर में कयाम का यही मकसद बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंदुस्तान और देखिए हिंदुस्तान में भी बहुत सारी तहरीकें मिलती हैं, रेशमी रुमाल है, इससे पहले अकबर के दौर में भी हम देखते हैं वहां पर तहरीकत चली थी, शेख अहमद सरिंदी की तहरीक थी, जब अकबर ने दीन लड़ाई का आगाज किया तो शेख अहमद सरिंदी ने उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की और एक तहरीक भी शुरू की। उनके पास वसायल भी थे, लोगों को भी कमी नहीं थी, जब में गफीर था हिंदुस्तान में, ओवर पॉपुलेटेड एक इलाका था, एरिया था, मुसलमानों की भी कमी नहीं थी वहां पर, तो कामयाब हो तहरीक की रुमाल है, तहरीक इजरत है और बहुत सारी ऐसी तहरीका भी मिलती है, मगर में ऐसी कोई तहरीक नहीं थी। ये पहली तहरीक थी जिसने लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया। लिहाजा अंग्रेजों के खौफ से जो बासर और कबायली कौमी शख्सियात थी उन्होंने चुप साथ दी थी और किसी को भी यहाँ के बाशिंदों, इनकी सरजमीन और इनके दीनी अकायद और ईमान की फिक्र न थी। ऐसे में परेशानाल बलोचों बिरावी कबायल के दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर मोहल्ला दुरखान ने यह जिम्मेदारी कबूल की और इस तरह यह छोटा सा गांव एक बहुत बड़ी तहरीक का मरकज बना। एक मकसद अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे आजादी को बेदार करना था। जिस तरह अंग्रेजों की चीरा दस्तियां यहां पे थी, अंग्रेजों का एक नामजद वजीर आजम कलाब का सर शम्स शाह, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, सर शम्स शाह गुजराती, इसकी जुल्म और जब की दास्तानें इतनी तवील है, इतनी ज्यादा है कि उस दौर को जब शम्स शाह कलाब का वजीर आजम था, बलूचिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर कहा जाता है, 1915 से 1930 तक का जमाना। वो जहां से गुजरता था किसी भी मकामी बलोच को माफ नहीं करता था, किसी ना किसी तरीके से उसे काबिले ताज़ीर ठहरा था, उसे कोई ना कोई सजा दे रही था। लिहाजा ये वो दौर था कि जब बलोचिस्तान में एक सियासी या मजहबी या किसी तहरीक के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी। लिहाजा मेरा पर्ची मिल गई बेटा, हम उस्ताद टाकते हुए हमें 3 घंटे छोड़े तो हम जुबानी ज्यादा अच्छा बोल लेते, एक समय ने भी टिक कर दिया, कागज हम फिर ये उल्टा
दुनिया से यहाँ तक गुबार उतारने आए, हम इसको उसको शेयर करने की इजाजत दे। दोबारा मैं इस बात को मैंने नोट किया, मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। दोबारा जज्बा आजादी के साथ साथ अंदरून और बैरूनी मुल्क सिफारतकारी भी इस तहरीक के जरिए की गई। अफगानिस्तान, ईरान तहरीक, तहरीक रेशमी रुमाल जैसी तहरीक के साथ मकतब दुरखानी ने या तहरीक दुरखानी ने वाबस्तगी इख्तियार की। आप लोगों ने मौलाना मोहम्मद उमर दीनपुरी और उनकी बहादुर बेटी बीबी ताजमानो का जिक्र सुना होगा। बीबी ताजमानो 100 से ज्यादा किताबें की राइटर थी। पंतो नसाई पे, इस्लामी तालीमात पे उन्होंने बिरावी जमान में 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इसी तरह मौलाना मोहम्मद उमर दीनपुरी साहब की दो जोजा थी, दो अजवाज थी, दो शादियां की। उनकी दोनों बीवियां उस जमाने में, ब्रिटिश दौर है, उस जमाने में उसकी मैगजीन के सब एडिटर थे। लिहाजा अंदरून मुल्क को बैरून मुल्क मजहबी सिफारतकारी की जिम्मेदारी अदा की गई। साथ साथ जो बलूचिस्तान के मुसलमान थे उनके दीनी अकायद और नजरियात की इस्लाह और तहफ्फुज के लिए कोशिशें की गई। मैं इसको इनके जो मकासद थे वो इतने ज्यादा हैं, बाकी दोस्त भी इन पे बात करेंगे। मैं जरा इसकी तारीखी अहमियत पे दो चार अल्फाज कहकर अपना लेक्चर वाइंड अप करूंगा। इसकी जो तारीखी अहमियत बनती है, जितना मैंने कहा कि बलूचिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तहरीक चली हो। ये पहली तहरीक थी कि जिसने आगाज से लेकर 1883 से लेकर इख्तिताम तक कभी भी उसने नाकामी का सामना नहीं किया। सख्तियां बहुत थी लेकिन उसका हर कदम कामयाबी के लिए उठता रहा, और उसकी वजह से बलूच माशरे में जो शहूर पैदा, ये पहला इल्मी इदारा था। बिरावी जबान में सबसे ज्यादा काम इस इदारे ने किया। बिरावी जबान का कोई तहरीरी लिटरेचर हमारे पास नहीं था, ये तो इस इदारे की खिदमत थी कि जिसने बिरावी जबान और अदब को, बलूची जुबान और अदब को तरक्की की मेराज पे पहुंचा दिया। हमारे पास कोई असासा नहीं था। आप देखिए हमारे पास 300 साल पुरानी बिरावी की कोई किताब नहीं है। दूसरी अकवाम के लिए पास, अब ईरानियों को देखे 3000 साल पुरानी किताबें उनकी है, तारीखें उनकी लिखी हुई है। हमारे पास इस तरह की का कोई तहरीरी इलम नहीं था। तो 1000 से ज्यादा किताबें शाया करवाई, बहुत बड़ा काम था। इसी तरह आज हम कुछ मबाइस में पड़े रहते हैं, वरना मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, बिरावी बलोच वगैरह। आप देखिए इस मजहबी तहरीक ने बिरावी बलोच उलमाए किराम को साथ बिठाया, बगैर किसी सवाल जवाब, बगैर किसी तासुर के दोनों जुबानों की तरक्की और तरबीज के लिए यकसा तौर पर काम किया। चाहे हजूरगंज जतोई की बलोची में लिखी हुई या तर्जुमा की गई कुरान मजीद हो, या मौलाना दीनपुरी साहब की बिरावी में की गई कुरान मजीद का तर्जुमा हो, देखिए उन्होंने दोनों जुबानों को अहमियत दी। लिहाजा इस तहरीक की इस पहलू को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि इन्होंने क्यों डिवीजन या पोलराइजेशन पैदा नहीं किया। उन्होंने बलूची और बिरावी बोलने वाले कबाइल को एक ही साथ बांध के रखा, और ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत बनती है। और ये गौर तलब पहलू है, इस पर काम करना चाहिए कि वो उलमा एक साथ बैठ सकते थे, आज हम एक साथ नहीं बैठ पा रहे, ये कलमिया है हमारे लिए। इसी तरह मुल्ला मजार जैसे शाहिर, शोला बयान शाहिर इस तहरीक ने पैदा किए। मुल्ला मजार की शायरी के बारे में तो नहीं जाता, वो इतनी मशहूर शायरी है, 4-5 जमानों में की गई है, लाखना बकी सुना होगा आप लोगों ने, वो इसी तहरीक के रूह रवा थे। तो मुल्ला मजार की उस एक नजम की जो तारीखी अहमियत है, आप तमाम हजरात और तमाम बच्चे बच्चियां सब जानते हैं उसके बारे में, कि जिस तरह मुल्ला साहब ने, मुल्ला मजार ने उस वक्त के उन सरदार साहिबान को जिन्होंने अंग्रेजों की बग्गी को कंधे पे रखकर सिटी स्टेशन पहुंचाया, तो उनकी खूब खबर ली। कई जबानों में, बलोची, बिरावी, सिंधी, फारसी में अपनी शायरी को फैलाया, तो इसकी बहुत बड़ी तारीखी अहमियत बनती है। साथ में बरतानवी ने बलूचिस्तान की सियासत में सबसे मुतहरिक गैर मुसल्ला तहरीक, तो मुसल्ला जदोजहद एक अलग है,
जो अंग्रेजों के खिलाफ टकटुक होती रहती थी, ये वो तहरीक थी जिसके किसी भी आलिम के पास कोई बंदूक या गोली वगैरह नहीं थी, कोई बुलेट नहीं थी, उनके पास कलम और किताब थी। और कलम और किताब की ताकत से उन्होंने सुपर पावर बरतानिया को भाग जाने पर सरेंडर करने पर मजबूर किया। इन पहलुओं पर, इसके और भी बहुत सारे पहलू है, बहरहाल मौजू बहुत वसी है, बहुत काफी तवील है, हमें मजीद इस पे काम की जरूरत है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ही कहती है कि मैं चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मकतब दुरखानी के नाम से और मेहरगढ़ के नाम से, ये दो उन्वानात हैं, इनके नाम से अगर वाइस चांसलर साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दो अलग चेयर इनके लिए यहाँ पे रख दें, कि दो चेयर हों, उन चेयर के थ्रू मकतब दुरखानी में भी और मेहरगढ़ में भी बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। बहरहाल आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, मुझे सुना टूटे टूटे अल्फाज के साथ। बाकी भी साथी हैं, बड़े बड़े दानिश्वर तशरीफ फरमा है, होंगे, अपने ख्याल का इजहार करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये साथ जारी रहेगा, ये राबिते हमेशा इंशाल्लाह बहुत सब जारी रहेंगे।